होंगी कर्मातीत अवस्था तब जब के लड़ाई का मैदान बनेगा, तब कर्मातीत अवस्था। तो उस मैदान के समय में, युद्ध के समय में, ऐसी स्टेज पहले से ही प्रैक्टिस करके बनाई हुई हो कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। आत्मा के लिए कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस करें कर्मों की। देह के लिए, अगर देह के लिए कर रहे हैं सदा ये ध्यान रहेगा तो फिर क्या होगा, आत्मा बनेंगे कि देह अभिमानी ही बनेंगे? देह अभिमानी ही बने रहेंगे। तो बताया, जब लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई का मैदान होगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय प्रैक्टिस कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो वो धर्म पिताएं जो हैं, जब तक इस दुनिया का विनाश शुरू नहीं होता है तब तक उन्हें विश्वास होता है? विश्वास ही नहीं होता। तो प्रैक्टिस पक्की होती है कि लेबड़ देबड़ पड़ जाती है, खींचातान पस जाती है, बहुत खींचातान हो जाती है। तो बताया, ऐसी अवस्था नहीं बनाई पहले से, तो पुरुषार्थ तो बहुत ही करते हैं, क्या आत्मा समझने का और आत्मा के अर्थ सारे कार्य करने का, बहुत पुरुषार्थ करते तो हैं। करना तो सबको है ना, 500 700 करोड़ों को भी करना है कि नहीं? अपन को आत्मा समझ करके आत्मा के लिए ही सारा पुरुषार्थ करना, देह के लिए भूल जाना, देह का नहीं करना, देह के बारे में बुद्धि में ना रहे कि देह के लिए हम परवरिश करते रहे, वो नहीं, आत्मा की लौ लग जाए। तो सबको करना तो है,